नीतीश कुमार जी तो कोई क्रेडिबिलिटी रही नहीं। नीतीश कुमार जी तो अब अप्रासंगिक भी हो चुके हैं, मानसिक रूप से भी क्या है पता नहीं चलता, उनको याद भी रहता है कि नहीं। उन्होंने कहा कि 48 घंटे में यदि गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम पूरा कटिहार बंद करेंगे। जो घटना घटी है बहुत ही निंदनीय है, प्रशासन की कमजोरी है। जब हमारी सत्ता थी, हमारी सरकार थी, तो उनको सुरक्षा मिला हुआ था जी, पर हमारी जब सत्ता हटी तभी जाके उनकी सुरक्षा बल को हटाया गया। हम लोग की मांग है कि 48 घंटों में उसको गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो हम लोग लगातार आंदोलन करेंगे। यहाँ से महज 300 मीटर की दूरी पर पुलिस थाना है और 300 मीटर की दूरी पर एक नेता का दिन दहाड़े हत्या हो जाता है। नमस्कार, मैं सूरज कुमार। अभी मैं कटिहार के उसी तेलता में हूँ जहाँ पर बीते कल एक समाज सेवी को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया था। अभी हम उस समाज सेवी संजीव मिश्रा के आवास पर मौजूद है और महज यहाँ से कुछ दूरी पर संजीव मिश्रा जी का घर है और जिनका बीते कल 8 बजे लगभग अपराधियों के द्वारा गोली से भूनकर हत्या कर दिया गया था। अब बड़ा सवाल उठता है यहाँ के स्थानीय प्रशासन पर कि यहाँ से महज 300 मीटर की दूरी पर पुलिस थाना है और 300 मीटर की दूरी पर एक नेता का दिन दहाड़े हत्या हो जाता है और पुलिस इस खबर से बेखबर रहती है। और अभी मैं आपको बताते चलूँ कि संजीव मिश्रा इस क्षेत्र का एक लोकल नेता था और जिससे जो कि क्षेत्र में लोगों के बीच रहा करते थे, उनकी भावनाएँ जुड़ी हुई थी, लेकिन कल किसी राजनीतिक कारण या फिर कुछ और कारण के चलते संजीव मिश्रा को 4 अज्ञात अपराधियों ने गोलियां मारी और उसकी जो है घटनास्थल पर ही मौत हो गई। आपको बताते चले कि संजीव मिश्रा पर एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि तीन बार जानलेवा हमला किया गया था। पहली बार हत्या आज से 2 वर्ष पूर्व पहला हमला संजीव मिश्रा पर किया गया था, लेकिन उसका निशाना संजीव मिश्रा का जीजाजी बन गए जिसमें उसकी मौत हो गई थी। वहीं दूसरा हत्या आज से लगभग 8-9 महीने पूर्व कदवा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत कुरुम और धनारा के बीच संजीव मिश्रा पर गोलियों से हमला किया गया था जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। उसके बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा महज कुछ महीनों के लिए से प्रोटेक्शन दिया गया था, जिसके बाद प्रोटेक्शन को हटा लिया गया और कल प्रोटेक्शन हटने के बाद उसके घर में ही अपराधियों के द्वारा गोलियों से भूनकर उसे मौत का घाट उतार दिया गया। जैसा कि इस पूरी घटना का चश्मदीद गवाह एक 10 साल के बच्चे ने बताया कि कुल 4 अपराधी आए थे जिसमें 2 अपराधी संजीव मिश्रा के घर गए थे और उनके हाथ में कुछ कागज़ थमाया था और उन पर तबाहतोड़ फायरिंग कर दिया गया था। फिर वही बच्चे ने बताया कि 2 अपराधी इसी हाई स्कूल के मैदान में खड़े थे जो चारों तरफ नज़र रख रहे थे, जिसके बाद इस सोची समझी एक रणनीति के तहत पर इस हत्या को अंजाम दिया गया। यहाँ पर उनकी अंतिम संस्कार की तैयारियाँ चल रही है, भारी मात्रा में पुलिस बल भी तैनात है और यहाँ के स्थानीय लोग भी जो अपने प्रिय नेता है उनका अंतिम संस्कार के लिए, उनका अंतिम दर्शन के लिए आ रहे हैं और यहाँ पर जो है पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था को जो है मुस्तैद किया गया है। अगर सुरक्षा व्यवस्था आज से पहले अगर इसके साथ अगर बॉडीगार्ड के रूप में अगर संजीव मिश्रा के पास होता तो शायद ये घटना आज घटित नहीं होता। अब ये बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है पुलिस प्रशासन पर कि महज थाने से 300 मीटर की दूरी पर एक नेता को इस तरह से दिन दहाड़े गोली मार दिया जाता है और घटना के 24 घंटे से ज़्यादा भी बीत जाने के बाद अभी तक पुलिस किसी तरह का सुराग पता नहीं लगा पाई है। और जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया है, चश्मदीद एक 10 वर्षीय बालक ने बताया है कि अपराधी घटना को अंजाम देने के बाद बंगाल की तरफ भाग गए हैं क्योंकि बंगाल यहाँ से महज 8-9 किलोमीटर की दूरी पर है और कहीं ना कहीं पुलिस से बचने के लिए अपराधी बंगाल चले गए हैं और ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा बिहार पुलिस के लिए कि कहां तक इस मामले का उद्भेदन हो सकता है। वहीं आपको बताते चले कि आज से वो 1 वर्ष पूर्व भी इन पर हमला हुआ था लेकिन उन मामले का भी उद्भेदन अब तक नहीं हो चुका है। देखिए, इतना शर्मसार और प्रशासन को लाज शर्म तक नहीं लग रहा है, जिस व्यक्ति के परिवार में पहले बहनोई साहब की हत्या की गई हो जी और 1 साल पहले इनके ऊपर हमला हुआ हो और जब तक एनडीए की सरकार थी तब तक सुरक्षा दिया हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस इलाके के लिए कुछ नहीं हो सकता। हम पूरे बिहार के लोग, पूरे कटिहार में ये तो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह की अराजकता बनी है और जिस तरह की हत्या की गई, ये तो स्पष्ट दिखता है कितना क्रूर थे लोग और कायर भी थे।
दम है तो अभी आके लड़के देखे, और कोई कायर के तौर पर अकेले आके किसी व्यक्ति को हत्या करता हो, क्या दुर्भाग्य है। 100 मीटर पर पूरा प्रशासन का थाना है। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई रूल ऑफ लॉ नहीं रह गया, और हम लोगों ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगले 48 घंटे के अंदर यदि 3 मुख्य अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई, मोहम्मद मौलवी की, लल्लू सनी की और अख्तर की, तो हम लोग पूरा आंदोलन करेंगे। सर ये नाम किनके द्वारा दिया गया है? नाम जिसके भी द्वारा दिया गया है, जो जानकारी है, पहले भी अभियुक्त थे, कोई नया नहीं है, ये पहले भी अभियुक्त थे, इन्हीं के द्वारा पहले भी गोली चलाया गया था, और आज यदि इनके घर पर चढ़कर कोई मार रहा है तो प्रशासन कहाँ है? ये बहुत ही निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये जो घटना घटी है बहुत ही निंदनीय है, प्रशासन की कमजोरी है, और अपने सत्ता, जो सत्ताधारी अपने शासन में बैठे हुए हैं, महागठबंधन की सरकार, ये सब इन सवाल यह उठता है कि जब उन्होंने पुलिस प्रशासन से प्रोटेक्शन मांगा था, उस वक्त आप लोग उनके साथ खड़ा होकर के प्रोटेक्शन दिलाने आखिर क्यों नहीं उनको दिला पाए? प्रोटेक्शन तो मिली हुई थी जी, जब हमारी सत्ता थी, हमारी सरकार थी, तो उनको सुरक्षा मिला हुआ था जी। पर हमारी जब सत्ता हटी तभी जाके उनकी सुरक्षा बल को हटाया गया। तो क्या आप ये सीधा सीधा आरोप सत्ता पे लगाना चाहती हैं कि सत्ता हटने की वजह से? सत्ता के साथ साथ हमारा आरोप प्रशासन के पास भी है कि प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं देती है। पहले भी संजीव मिश्रा जी की बनोई की हत्या हुई थी, उस समय भी संजीव मिश्रा को मारने आए थे लोग, और उसके बाद राजू राय की हत्या हुई बलिया बिलोन में, उसके बाद निर्मल बुमरा की हत्या हुई सलमारी में, आज इनकी हत्या हुई है। अब पुलिस कप्तान यहाँ के 11 घंटा बाद कल पहुँचने का काम किए, जो लगातार जब एनडीए की सरकार थी उनको सुरक्षा प्रदान की गई हुई थी, और उसके बाद जैसे ही सरकार हटी उनकी सुरक्षा को वापस लिया गया, जानबूझ करके सुरक्षा वापस करने का कारण ही आज उनकी हत्या हुई है। लापरवाही तो है सर, पहले भी इसके घर में घटना हुआ, इसका जीजाजी का हत्या हुई, फिर बीच में 6 महीना पहले जो है इस पर फिर गोली चला एक ब्रिज में कुरुम से आने के रास्ते में, तो पुलिस को पूरा सुरक्षा देना चाहिए, इस पर नज़र रखना चाहिए, फिर बॉडीगार्ड दिया, फिर हटा लिया, फिर इन्होंने आवेदन दिया, तो क्विक एक्शन लेना चाहिए। और इसको लेकर के हॉस्पिटल लेके गया गया, वहाँ मृत्यु घोषित किया गया। लेकिन सवाल उठता है कि प्रशासन ही दोषी है इसमें, इसलिए कि गरीबों को धमकाते हैं, मुस्लिमों को धमकाते हैं, और जो दबंग हैं उनको साथ बिठाते हैं, और इससे पहले भी कई बार घटना यहाँ अंजाम दिया गया, घटना में जो उसमें कोई एक्शन नहीं हुआ, जिसकी वजह से क्रिमिनल का मनोबल और बढ़ा।